साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रेनो की ड्राइवर। इसको लिए हुए लगभग 15 महीने हो चुकी है। ये नवंबर 2019 में ली गई थी, तो आज 15 महीने बाद इसकी क्या कंडीशन है, कितनी चली है और किस तरह से इसकी आज किस हालत में है, ये सभी आपके साथ चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ये तय कर पाने में आपको काफ़ी आसानी होगी कि वास्तव में ये गाड़ी कैसी है, इसका मेंटेनेंस कैसा है और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह किस प्रकार की है, वो सब चीज़ें आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इसका लुक और इसकी कंडीशन। 15 महीने बाद भी ये एकदम से न्यू है और आप देख सकते हैं इसका क्रोम वगैरह एकदम फिटेड है और एकदम अच्छी तरीके से वो दिख रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो ये इसका बैज है RXE, ड्राइवर RXE है ये, तो इसमें कौन कौन सी एसेसरीज हमने लगवाई बाद में और उसकी भी क्या स्थिति है अभी, उसकी भी बात करेंगे हम। सबसे पहले एक बार आपको पूरी तरह से इसका लुक बता देते हैं। तो इस तरह से ये RXE 15 महीने बाद इसकी ये कंडीशन है। तो अब सबसे पहले तो हम इसको पूरी तरह से एक्सटीरियर हमने देख ही लिया है, इसकी बात भी हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे हम इसके इंटीरियर से। तो इंटीरियर की अभी क्या हालत है 15 महीने बाद, कितनी चली है वो भी देखेंगे और ये डोर्स वगैरह विंडो वगैरह किस तरह की कंडीशन है ये आप देख सकते हैं। मैंने कौन कौन से एक्स्ट्रा काम इन पे करवाए हैं 15 महीने में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये है इसका इंटीरियर, और कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई पुरानी गाड़ी है, एकदम से न्यू लुक है अभी भी इसका। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। ये इसका जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। किसी भी प्रकार का हम देख सकते हैं, ये स्टीरियो मैंने बाद में लगवाया है बाहर से ऑडियो सिस्टम। चलिए एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि ये गाड़ी वास्तव में चली कितनी है। चलिए सबसे पहले एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि ये कितना किलोमीटर चली है, ये भी ज़रूरी है। तो ये स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं जो किलोमीटर है 9,383 किलोमीटर चली है 15 महीने में। बहुत ज़्यादा नहीं चली है, कम चली है। आमतौर पर एक साल में 10,000 चल जाती है, तो इस हिसाब से देखें तो ये थोड़ा कम ही चली है। अब बात करेंगे इसकी एवरेज वगैरह की, बात करेंगे साथ साथ में, लेकिन हम देख सकते हैं फिलहाल कि ये लगभग 10,000 किलोमीटर मान सकते हैं, हालांकि अभी भी 700 या 600 किलोमीटर कम है उससे। ये ऐसी बटन वगैरह देख सकते हैं, इनकी कंडीशन आज भी स्मूथ है एकदम से। हमें ऐसा लगता है जैसे गाड़ी कल ही खरीदी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक इसमें नहीं दिख रही है। ये अभी मैन्युअली है, मैंने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम वगैरह नहीं लगवाया है। ये कारपेट मैंने अभी लगवाई नहीं, पिछले दिनों, जो एकदम से शानदार इसके लुक को बढ़ाती है। हालांकि मैंने इस पर पूरी तरह से प्लास्टिक कवर भी करवाया है, पूरी गाड़ी में नीचे बॉडी में ये प्लास्टिक कवर है पूरी तरह से, पूरे बॉडी बॉटम में है। तो इस तरह से देखें तो अब सीट की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं। तो सीट कंडीशन भी अभी भी स्मूथ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्वालिटी को लेकर के कोई इश्यू नहीं है। हालांकि ये सीट बेल्ट पहले से लगाया हुआ है, जो पिछली मैंने सर्विस करवाई थी उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो एक सीट बेल्ट था ये ख़राब हो गया था पहले, पता नहीं यहाँ अटक गया, ये निकलता नहीं था, तो ये उन्होंने चेंज किया पूरा, क्योंकि गारंटी पीरियड में थी गाड़ी, इसलिए उन्होंने बिना कोई खर्चे बिना कोई पैसे लिए इसे पूरा चेंज किया, दूसरा लगाया नया। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये गाड़ी कोई 15 महीने पुरानी है। अब चलाते वक्त कोई किसी तरह की आवाज़ वगैरह आती है या नहीं आती, इसकी भी बात करेंगे। 15 महीने बाद भी रूफ रेल की स्थिति शानदार है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई है। ये सनवाइजर्स हैं, इनकी भी कंडीशन आप काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है, देख सकते हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रोम फिनिश वगैरह जैसा लगा था वैसा ही पड़ा हुआ है, ये डोर हैंडल्स पे भी क्रोम करवाया था। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि हालांकि जब पिछली सर्विस करवाई थी एक साल बाद वाली, उसमें ये कार्ड हमने लगवाए थे प्रोटेक्टर, ताकि विंडो को जब हम खोलें दरवाजे को तो किसी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह ना आए, इसी तरह से
ये व्हील कैप है जो मैंने दूसरी लगवाई है। हालांकि आपको बता दूं कि व्हील कैप दो बार गिर चुकी है, क्योंकि जो ये रबड़ बैंड है इससे ये रहती नहीं है, स्पीड में चलती है या कोई जंप वगैरह हो तो उसमें ये व्हील कैप गिर जाती है। तो ये तीसरी बार मैंने व्हील कैप लगवाई है। इसी तरह से ये कॉर्नर प्रोटेक्टर है, आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश है ये भी। तो इसमें भी अभी भी स्मूथली ये एकदम से ठीक ठाक लग रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉग लैंप्स इसमें आते नहीं है RXE में, लेकिन ये जो जगह है ये भी क्रोम फिनिश्ड थी और इनकी कंडीशन भी हाल फिलहाल काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। स्किड प्लेट मैंने लगवाई थी तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है, लुक को काफ़ी बेहतर बना देती है स्किड प्लेट गाड़ी का। तो इस तरह से देखें तो क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ मरुस्थल इलाका है तो रेत काफ़ी होती है, इसलिए डस्ट हमेशा लगी हुई रह सकती है। ये साइड क्लेडिंग भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि 15 महीने बाद ड्राइवर में क्वालिटी को लेकर के कोई इशू मेरे सामने नहीं आया है। तो जो ये मान रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है, शायद उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि शायद उन्होंने गाड़ी को सही देखा नहीं हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि ये जो बॉडी मेटल है ये कभी ज़ोर से हम दबाएं तो इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो कोई इसकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोरी की निशानी नहीं है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसे मज़बूत बनाती है। एक पीछे की सीट के भी कंडीशन आपको बता देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीछे का पीछे की सीट पे भी आप देख सकते हैं सीटों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, जैसी लगवाई थी वैसी पड़ी है। यूज़ भी लगभग 10,000 किलोमीटर हुई थी, ऐसा नहीं कह सकते कि गाड़ी खड़ी थी। और ये 10,000 किलोमीटर इसलिए हुए क्योंकि बीच में 4-5 महीने लॉकडाउन के थे, उस वजह से गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। हम ये मान सकते हैं कि ये मैंने कारपेट बाद में लगवाई है, बाद में क्या ये तो अभी 10-15 दिन पहले ही लगवाई है, इसलिए अभी काफ़ी नई दिख रही है। इसके साथ ही यहाँ भी इसमें स्पेस मिल जाता है आपको, आगे दो कप होल्डर है ही है। तो ये कंडीशन है अभी 15 महीने बाद हमारी कार की। आगे की फ्रंट विंडो है उसमें मामूली सी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है कभी कभार, जो आमतौर पर नई गाड़ी में भी आ सकती है, कोई विशेष बात नहीं है। ये है पीछे की दोनों सीटें जो मैंने कुछ समय तक निकाल के रखी थी कुछ सामान डालने के लिए, लेकिन अब जब भी मुझे ज़्यादा सामान डालना होता है मैं इन्हें निकाल देता हूँ और अन्यथा इसे अंदर ही रखता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे भी सीट बेल्ट है और तो ये है पीछे की कंडीशन। रूफ़ की बात करें तो वो भी काफ़ी स्मूथ है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 10 लाख से कम में एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप प्रीमियम क्वालिटी की अपेक्षा नहीं रख सकते जो 20 लाख 25 लाख की गाड़ी में आती है। आप यदि क्रेटा यूज़ कर रहे हैं या फिर स्कॉर्पियो यूज़ कर रहे हैं और फिर आप यदि आशा कर रहे हैं कि उसी प्राइस रेंज में सब चीज़ें यहाँ भी वैसी ही मिले तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जिस प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके साथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐसा मान सकते हैं। एक बढ़िया पैकेज हो सकता है 5 से 8 लाख के बीच में, इस तरह से हम देख सकते हैं। ये नहीं आया, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आई। जो प्रॉब्लम आई वो मैंने आपको बताई कि एक सीट बेल्ट था वो ख़राब हो गया था तो उसे दोबारा लगवाया गया, ये था वो, ये पूरा नया उन्होंने लगा दिया जिसका मैंने वीडियो भी बना के आपको बताया था। बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें हाल फिलहाल में नहीं आई। ये जो है वो पूरी तरह से रबड़ है, रबड़ कोटेड पूरी तरह से किया है, पूरी बॉडी में ये इसी तरह का है। इसे गाड़ी में डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, जो भी कचरा होता है उसे यहाँ से आसानी से साफ़ किया जा सकता है। नेचुरली जो कपड़ा इसमें नीचे आता है उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा पकड़ता है वो, इसलिए वो ज़्यादा काम का नहीं है। आशा करूँगा जो व्यक्ति ड्राइवर खरीदने का विचार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस आपके हाथ में है, आप जिस तरह से गाड़ी को रखना चाहते हैं वैसे ही ये गाड़ी रहेगी। आपने इस वीडियो को देखा,
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।